बच्चों आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम क्लास 5th का हिंदी में पार्ट 3 खिलौने वाला करेंगे। बच्चों इससे पहले वीडियो में आपने कविता को पढ़ा और समझा था, आज उसके हम कठिन शब्द और कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम करेंगे कठिन शब्द। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कठिन शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप दो बार पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, खिलौने, खिलौने वाला, खिलौने वाला, अश्रू, अश्रू, रामचंद्र जी, रामचंद्र जी, तलवार, तलवार, रोठूंगा, मारूंगा, मारूंगा, मन चाही, मन चाही, फिर की तीर कमान, तीर कमान, तारका, खरीदूंगा, मोटर गाड़ी, बनाऊंगा, बनाऊंगा, भगाऊंगा, भगाऊंगा, हवाई जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, मूंगफली, मूंगफली, रामलीला, रामलीला, हंसते हंसते, हंसते हंसते, कहानियाँ, कहानियाँ, फेरी वाले। बच्चों अब हम कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। क्या करेंगे? कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। एक तरफ हम करेंगे, इधर लिखा है शब्द और दूसरी तरफ हमारा लिखा हुआ है अर्थ। क्या लिखा है बच्चों? अर्थ। एक तरफ हम पहले शब्द को पढ़ेंगे, इधर ये हमारा क्या है? शब्द है, और ये सारे क्या है हमारे? उसके अर्थ है। ठीक है, खिलौने वाला, खिलौने वाला किसे कहते हैं बच्चों? जो खिलौने बेचता है, जो खिलौने बेचता है उसे क्या कहते हैं? खिलौने वाला कहते हैं। लोटा, लोटा का मतलब क्या होता है बच्चों? पानी रखने का छोटा पात्र। ठीक है, ताड़का, एक राक्षसी जिसका श्री राम ने किया था वध। ठीक है, असुर, असुर का मतलब होता है बच्चों राक्षस। मन चाही, मन चाही मतलब मन की इच्छा या मन की चाह। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मन चाही। भली सी मतलब भोली भाली। जोर जोर से मतलब ऊंची आवाज में। पुकार, पुकार क्या मतलब होता है बच्चों? आवाज़ देना। पुकार का मतलब क्या होता है? आवाज़ देना। विचार, विचार का मतलब क्या होता है बच्चों? सोचना। ठीक है, विचार का मतलब क्या होता है? सोचना। मन चाही, मन पसंद। मचल मचल कर मतलब होता है खुश होकर। सैर करना मतलब होता है घूमना। पुकारना मतलब होता है बुलाना। बच्चों अभी आपने कठिन शब्द पढ़े, कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। बच्चों उसी से संबंधित मैंने वर्कशीट दी है, इसे आप अपनी कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, मात्राओं का ध्यान रखते हुए करेंगे। ठीक है बच्चों, और अच्छी तरह से लिखेंगे। जब भी काम करेंगे अपना नाम जरूर लिखेंगे, अपना नाम क्लास जरूर लिखेंगे, और काम को साफ और सुंदर करेंगे मात्राओं का ध्यान रखते हुए। ठीक है बच्चों।